मुझा प्यारा भावरों, संपूर्ण भारतवर्ष में अनेक जातियों वर्ण ए भाषाओं में हिंदू जातियों जा रिणवार रीति रिवाज परंपराओं भली थोड़ो घड़ो पान में मिलंदड़ होजन पर सभी परंपराओं में को न को मकसद जरूर समायल है। विश्व की प्राचीन सिंधी सभ्यता में पलियल सिंधी जाति जा भी पहंजा ऋणवार त्योहार गमी शादियों जी रस्मों रीति रिवाज आए जैसी समाज के वडण के भी समूरी जान न होण करे बस असी लकीर कुटे रहा है। जदे भी नंडी पोश नौजवान पीढ़ी वडण का जान वठण चाही तो एक ही जवाब मिलो है तो आद खा वडा कंदा आया हैं असा भी करे रहा है। समाज के हर व्यक्ति के हर शख्स के हर नौजवान के नंढे वडे के इन्हीं की जान रखने की तमाम घनी जरूरत है। असाजे पूर्वजन की यह सभ्यता संस्कृति हमेशा कायम रहे इन्हीं दृष्टिकोण इन्हीं नजरिए सा समाज जो एक उत्साही बुद्धिमान नेक दिल नौजवान भा विजय कृपलानी जिनके दिलो दिमाग में घने वक्त का यह गाल उन जे दिल के हमेशा खाईंदी रही झकझोरींदी रही इन सजन सालन का यह खोज रखी। देश भर में समाज के विद्वान पंडितन महाराजन का जेके असाजे घरन में शादी गमी जा सभी कार्य संपन्न कराइन था हर एक रस्म जो छा मतलब है इन जो छा उद्देश्य है इन नौजवान इन सुहणे नमूने से खोज करे यो निश्चय कयो है तो संपूर्ण सिंधी समाज के इन्हीं परंपराओं जो ज्ञान इन जी जान फिल्म रस्ते देखारी वे यो कॉन्सेप्ट यो विषय लाजवाब है काबिले तारीफ है। असंजे सिंधी समाज के यह खुशी ए फक्र थियण घुर्जे तो अड़ी सोच वारा सिंधी नौजवान समाज में आहिन जेके पांजो एडो वडो समय तन मन धन लगाए अगते वधन था। इन सोच जो नेक कार्य भा विजय कुमार कृपलानी जै उद्देश्य से कर रो है अकेले एक शख्स के वस का बाहर है। इन में समाज के अलग अलग क्षेत्र के उत्साही ए प्रतिभाशाली भावरन भा ब्रजलाल सावलानी प्रकाश बजाज राज सहता सतीश लखमानी ए भा राजकुमार सावलानी जड़न भावरन पैंजी टीम ठाए इन कॉन्सेप्ट की जिम्मेदारी खई है उन्हें शाबस है असी उन्हें जा थोरायता है ईश्वर शल उन्हें अगते वधन की बल ए बुद्धि बख्शे। गीता में भगवान श्री कृष्ण चाहिए है तो इंसान पैं कर्म करे फल की इच्छा न रखे इन नौजवानन मिली करे दिल से प्रयास करे कार्य कयो है बाकी उन्हें मेहनत जो फल आशीर्वाद रूप में दियण तवा असो फर्ज है असा भी अगते वधी इन्हन जो हौसलो ए हिम्मत वधाए। पूज अमर शहीद साईं कंवर राम साहिब सच्चे साईं सतराम दास साहिब दंदन सखी बाबा हसदा राम साहिब आयो लाल कयो झूले। हिंदू सिंधी जा त्योहार रस्मों रवाज ॾिण उन्हनि जी खोज में असांजा नौजवान धार्मिक भावना रखदड़ खोजी भावर जेके हे प्रयास कयो अथऊं महिनत कई अथऊं 20 साल खां जै भाव सां प्रभुन जी मेहनत सफली करे सभी संतन जे चरणन में सीस झुकाए आशीर्वाद वठूं था तो वे आशीष कन असांजा सिंधी भावरन ए भेनरन ते तो उहे इन
नौजवान भावर जका जान डनी थी वने उनके सहर्ष अपनाने जी कोशिश कंदा जय प्रभु कृपा करे असा के प्रभु मलान ला दिनान वे मलाय करे उनी रीत रसम सा हली करे असान वडलन जी देवताओं जी भगवान जी आशीर्वाद पायो इन नखरन सा सखी बाबा जी सबनी ते नौजवान ते आशीर्वाद रहंदी और हे आश्रम इन्हीं सबनी हिंदू रीति रस्मी रवाजन के पूर्ति करण जे लाइ हर वक्त तैयार आहे जेके भी रस्मा कयूं वञनि प्रभु कृपा करे हिननि खोजी भावरनि जो संतनि सां प्यार जुड़ियो रहंदो संतन सदा आशीर्वाद रहंदी जय सखी बाबा श्री राम हरे श्री चंद्र हरे श्री दयाल हरे श्री राम हरे श्री चंद्र हरे श्री दयाल हरे श्री राम हरे धन धन बाबा बिरलदास साहेब की बाबा साईं सुंदरदास साहेब की बाबा साईं दयालदास साहेब की पूज माता साहेब की डबरा जे जवान की अज बड़ी खुशी की जहाँ है कि तुम प्यारा बाहर अची करे दर्शन देना और इन सौभाग्य भरी घड़ी में तुम यह जान वठन चाहिए पे शादी विवाह में जो सवण साठ पण कंदा इन जो महत्व पहरों सब पहरों देव पूजा पा कंदा देव पूजा में श्री गणेश पूजा प्राथमिक थींदी आहे देवन में देव महादेव और गणेश पूजा गणेश स्थापना करे उन्हीं में पा जो है पूजा कंदा चंदा प्रथम गणपति मनाइए द्वितीय और देव को ध्याए सब कार्य की रिद्धि सिद्धि जो दाता भगवान गणेश के मनो है इनके प्रथम पहरों गणपति की पूजा करें तेखो अस कंदा घर में जंडोड़ी जो सवण जनर जो अपना कर्तव्य निभाना ही अपने धर्म को निभाना है अपना कर्तव्य सर सम्मानित है तो सब जब शादी के समय पर आशीर्वाद जो मिलता है वो आशीर्वाद को प्राप्त कर अपने जीवन में सेवा का कार्य करते हुए गृहस्थी की सेवा को करते हुए सभी का सम्मान बढ़ाते हुए सबका सम्मान बढ़ाकर इस गृहस्थी का मान बढ़ाना यह धर्म हम सभी का है। नमस्कार सखी सिंधी खोज संस्था के पारा अज मां तव्हां खे स्वामी हरीश शर्मा जी सां मिलायां थी जेके असांखे सिंधी विवाह जी रस्म ऐं उन्हनि जे गूढ़ रहस्यनि सां परिचित कराईंदा। नमस्कार स्वामी जी, तव्हांजो हिते स्वागत आहे। अॼु मां जानकारी वठणु चाहींदमि कि सिंधी विवाह जी रस्म छो आहिनि और उन्हनि जो रहस्य छा आहे। मिठी मोमलड़ी माणी दे ओ मिठी मोमलड़ी माणी दे। महाराज स्वामी मुझे पहरियों सवाल इो आ कि जै महीने में माँ पी जो व्याह थियल हों उन्हीं महीने में असा बारन जे व्याह जो मुहूर्त छो न कढ़ाईंदा आयूं या जै महीने में बार जायल हों उन्हीं महीने में उन्हीं जे व्याह जो मुहूर्त छो न निकरदो आ। शुभ विवाह जे मुहूर्तन जे बारे में इहा असा वट परंपरा रही आहे त जै महीने में माता पिता जो विवाह थियल हुजे उहे तारीख़ असां छॾे ॾींदा आहियूं ऐं साण इहो बि वीचार कंदा आहियूं त जंहिं महीने में ॿारनि जो अर्थात शादी कंदड़ छोकिरे ऐं छोकिरीअ जो जनमु थियो हुजे उन्हीअ महीने खे असां टारे छॾींदा आहियूं उन महीने में ॿारनि जो विवाह जो मुहूर्त निश्चित न कंदा आहियूं। इन जे रहस्य में इहो प्रमाण ॾिनो वियो त परमपिता परमात्मा जी ही कृपा सां जंहिं नक्षत्र में ॿार जो जनमु थियो आहे या जंहिं नक्षत्र में माता पिता जो विवाह सफल थियो हुयो उन महीने खे छॾे ॾिजे
छो त कंहिं बि कार्य जी सफलता जो श्रेय परमात्मा जे मथां असां रखंदा आहियूं। त जंहिं महीने में माता पिता जो शुभ विवाह थियो उहो ईश्वर जी कृपा सां संपन्न थियो ऐं साण साण जंहिं नक्षत्र में जंहिं ॾींहं ते परम पिता परमात्मा इन्हनि ॿारनि खे जनम ॾिनो आहे उहो ईश्वर जो निश्चित कयल मुहूर्त हुयो। पर असां जेको हे विवाह जो मुहूर्त निश्चित कंदा आहियूं इहो असां पंहिंजी मर्ज़ीअ सां पंहिंजे सेणनि जे सां हंडाए करे रखंदा आहियूं। त परमात्मा जी मर्ज़ी ऐं असांजी मर्ज़ी अर्थात परमात्मा ऐं हिन मनुष्य में तमामु फ़र्क़ु आहे। इन मर्यादा खे ध्यानु रखंदे हूंदे जंहिं महीने में ॿारनि जो जनमु थींदो आहे उन महीने खे टारे छॾींदा आहियूं। साण साण इहो बि वीचार कंदा आहियूं त जंहिं महीने में माता पिता जो शुभ विवाह थियलु हुजे उन विवाह जे महीने खे बि असां छॾे करे ॿारनि जो शुभ विवाह जो मुहूर्त असां सुनिश्चित कंदा आहियूं। स्वामी जी, मुहूर्त खां पोइ पहिरियों सवण जेको असां विहांउ में कंदा आहियूं उहो सवण आहे बुकीअ जो सवण। असां चाहींदासीं कि तव्हां असांखे जानकारी ॾियो कि बुकी जे सवण जो कहिड़ो महत्व आहे और इहो छो शुरूआति में कयो वेंदो आहे। जहिड़े नमूने बुकीअ जे बारे में तव्हां पुछो त स्पष्ट आहे त बुक जो ई माना थींदी आहे अंजुली। त बुकी असां शुभ विवाह जे पहिरें पहिरें सुगन जे रूप में इन करे बुकी विझंदा आहियूं त अन्न जेको असां इहो पवित्र असां हिन उखरीअ में अॼु विझूं था या जंड में विझूं था उहो अॼु असां पवित्र हथनि सां हिन बुकनि जे द्वारा पयल अन्न जे द्वारा देवताउनि जो पूजन कंदासीं, साठ सुगन कंदासीं। इहो अन्न ॿिए कंहिं कार्य में प्रयुक्त न थींदो, ॾेवनि जे ई संबंध में इहो उपयोग में आणियो वेंदो। इन करे विशेष प्रतिष्ठा करे बुकी जे रूप में असां इहो सुगुन सभिनी खां अॻु में कंदा आहियूं। स्वामी जी, आम जीवन में पाण हिक ॿिए खे वाधाई ॾींदा आहियूं ऐं वठंदा आहियूं ख़ुशी जे मौक़े ते, पर विहांउ जे टाइम ते वाधाई ॾियण और वठण जो स्पेशल ॾींहुं अतिथि निश्चित कई वेंदी आहे, उन जो कहिड़ो महत्व आहे? जहिड़े नमूने वाधाई जी परंपरा असां वटि आहे शुभ विवाह में, वाधाई जो मतिलबु आहे त असां कंहिं ख़ुशीअ जे मौक़े ते असां ख़ुशियुनि जूं वाधायूं ॾियूं अर्थात उन्हनि जी ख़ुशीअ में असां बि शामिलु थी करे असां उन जा हिसा बणिजूं। हाणे प्रश्न आहे त शुभ विवाह में वाधाई छो वठिबी आहे? इते असां तव्हांखे इहो ख़ासि करे ॿुधाईंदासीं त वाधाई ॾियण जो शुभ विवाह में सभिनी खां वधीक तरजीह ॾिनी वई कन्या पक्ष खे ऐं साण साण असां सिंधी परंपराउनि में इहा पक बि करे करे मञियो वियो त अॼोके ॾींहुं ई विवाह जो कार्य संपन्न थियणो आहे त सभिनी खां अॻु में कन्या खे असां तरजीह ॾिनीसीं कन्या पक्ष वारनि खे कि उहे शुभ विवाह जो शुभ सुगन जे रूप में वाधाई खणी अचनि ऐं अची करे हिते ॾियनि सभिनी पैंचनि जे अॻियां, मिटनि माइटनि जे अॻियां ऐं साण साण असांजे सभिनी महिमाननि जे अॻियां। उन में ॾियनि छा? शुभ प्रतीक जेको पवित्र फल मञियो वियो उहो शुभ नारेल ऐं ट्रॉल जेको असां अची करे कन्या पक्ष वारा अची करे ब्राह्मण खे ॾींदा आहिनि ऐं असां उहो ट्रॉल घोट राजा खे पाए करे उहो पवित्र कन्या पक्ष जे तरफ़ां आयल नारेल खे प्रतिष्ठित करे पैंचनि जे अॻियां, मुखियुनि जे अॻियां, मिटनि माइटनि जे अॻियां अची करे पहिरीं पहिरीं वाधाई उन घोट राजा खे ॾींदा आहियूं। तंहिंखां पोइ ॿियनि सभिनी सभई मिली करे घोटेतनि खे वाधायूं ॾींदा आहिनि ऐं ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहिनि। हिंदुस्तानी परंपरा में इन खे तिलक बि चइबो आहे। वाधाई जी इंपॉर्टेंस त सम्झ में अची वई। असां शुरूआति कंदा आहियूं ॾेव धामण सां ऐं खूंबे जे सवण सां, इन्हनि जो कहिड़ो महत्व आहे, इन जी कहिड़ी इंपॉर्टेंस आहे या रोल आहे, इहो थोरो स्पष्ट कंदा? वाधाई खां पोइ खूंबो थींदो आहे, सुगुन आहे इहो खूंबे जो। खूंबे जो सुगुन, खूंबो छा थींदो आहे? खूंबे खे असां सिंधी भाषा में ॻाढ़ो रंग चवंदा आहियूं, गुलाबी रंग चवंदा आहियूं। इहो शुभता जो प्रतीक आहे ॻाढ़ो रंग, जेको खूंबो सत सुहाॻिणियूं मिली करे असां विवाह जे लाइ प्रयुक्त थियण वारा जेके बि शुभ वस्त्र आहिनि घोट जा या कुंवार जा उहे रंगींदा आहियूं शुभ रंग में। इहो मांगलिक प्रतीक आहे ॻाढ़ो रंग, गुलाबी रंग। सो उहो खूंबो असां कुझु शुद्ध वस्तू खणी करे उखरी मोहरे में विझी करे असां सत सुहाॻिणियुनि खे गॾु करे
ब्राह्मण जे द्वारा मंत्रन सा आवाहन करे असा देवताओं के गणेश भगवान के सबिन जे अगया उहे कुटींदा हूं। हाणे हाणे इहो कुटण जो छा मतलब आहे सो तव्हांखे ॼाण ॾियूं त जेकॾहिं असां कोई सुठी शइ कुटींदासीं त उन जी सुगंध वातावरण में ज़रूरु ईंदी, जेकॾहिं कोई दुर्गंध वारी शइ असां कुटींदासीं त उन जी दुर्गंध वातावरण में अवश्य फैलंदी। सो कुझु शुभ वस्तु पूजा जे योग्य अर्थात हरिद्रा हैड्र सतगणियूं ऐं साण साई पीली जेका ईंदी आहे सरसों जंहिंखे असां सरियां चवंदा आहियूं ऐं पांवारी इहे गॾु करे थोरो रंग विझी करे ॻुड़ विझी करे छो त पीलो रंग भॻवानु विष्णु जे पीतांबर स्वरूप आहे इहे सभु गॾु करे असां शुभ वस्तु उन में विझी करे सत सुहागणनि सां मिली करे घोट या कुंवार जे द्वारा मिली करे इहो सुगन कंदा आहियूं जीअं असांजे हिन घर में अॼु ख़ुशीअ जो कार्यक्रम आहे ऐं ख़ुशीअ जूं वस्तु पवित्र वस्तु हिन वातावरण खे पवित्र कनि ऐं खुशहाल जीवन असांजे खुशहाल पल अचण वारा आहिनि। सो इहो ॻाढ़ो रंग प्रतीक आहे ख़ुशियुनि जो। सो अॼु हे ख़ुशी जो कार्जु असांजो निर्विघ्न संपन्न थिए इहो भाव आहे खुंभे जो। खुंभे जे सवण जे बारे में तव्हांजी जानकारी मिली, तव्हां जेका जानकारी ॾिनी उहा ॾाढी फ़ाइदे वारी हुई। लेकिन हिकिड़ो ॿियो इम्पोर्टेंट सवाल इहो आहे की वनवा जो मतिलबु छा थींदो आहे? विहांउ खां पहिरीं असां छोकिरे छोकिरी खे वनवा में छो विहाईंदा आहियूं? अखरनि सां स्पष्ट आहे त वनवाह जंहिं ॿार खे असां अॼु विवाह जंहिंजो संपन्न करायूं था उन खे प्रतिबंध जे रूप में असां इहो चवंदा आहियूं की तूं काॾे बि हेॾे होॾे न वञ, तुंहिंजे अॻियां हाणे तूं प्रतिबंध आहे छो त मंत्रनि जे द्वारा तुंहिंजो सुगुन आरंभ थी चुका आहिनि। इन करे हल्दी लॻाए करे उबटन लॻाए करे हिकिड़ो प्रतिबंध तुंहिंजे अॻियां लॻायूं था असां तुंहिंजे मथां त तूं हेॾे होॾे काॾे न वञिजांइ, एकांत में रहिजांइ छो त तूं अॼु खां तूं पाणी ग्रहण संस्कार जे द्वारा ग्रस्त आश्रम प्रवेश कंदे। तंहिंजे करे इहो गंभीर विषय आहे, घणेई दायित्व आहिनि, इन करे असां तोखे हिन प्रतिबंध में ॿधूं था जंहिंखे नालो ॾिनो वियो वनवाह।